हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आप लोगों को जैसा कि क्लियर है कि एनसीएल की हम लोगों की क्लास चल रही है, और क्लास की बात करें तो डियर फ्रेंड, ये हम लोगों की 5 नंबर की क्लास है। एनसीएल की 5 नंबर की क्लास है। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है। डिस्कस करने से पहले आप लोग वीडियो क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी के इशू के बारे में क्लियर करिए, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत ही सही, फटाफट से जुड़ जाइए सारे स्टूडेंट्स। ओके, हाय, हेलो अमित मौर्य, साजन, हेलो आलोक, बहुत ही बढ़िया भाई। फटाफट से कमेंट करके क्लियर करिए, वॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी ओके है या नहीं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, सब बढ़िया है, चलिए ओके। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या कुछ हम लोगों के क्वेश्चन है। ये हम लोगों की जो सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज एक्चुअल में होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर जो मैं एक्चुअल में क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये यदि आप लोगों ने इससे पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी है तो सिंपली स्पेशल टेक्नो यूट्यूब चैनल पर जाना है आप लोगों को। वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीएल क्लासेस करके, तो उसमें यदि आप देखोगे एनसीएल के रिगार्डिंग जितनी भी क्लासेस हैं वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगी, तो वो सारी चीजें आप लोग वहां से देख सकते हो। चलिए, तो यहां पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड क्या बोला गया है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया पिग आयरन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि जो हम लोगों का पिग आयरन होता है वो हमारा किसका एक उत्पाद है। क्या कैप्यूला फर्नेस का, बेसिमर कन्वर्टर का, ओपन हर्थ फर्नेस का, या ब्लास्ट फर्नेस का? क्या करेक्ट माई डियर फ्रेंड, यहां से करेक्ट आंसर निकल के आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर किसके बारे में बोला गया, पिग आयरन के बारे में बोला गया है। यानी कि पिग आयरन की यदि बात करें तो डायरेक्टली ये हम लोगों का क्या होता है, एक्चुअल में जो आयरन ओर होता है उससे कुछ अशुद्धियों को हम रिमूव करके हमको मिलता है पिग आयरन। लेकिन हम जो अशुद्धियों को दूर करते हैं, जो प्रोसेस से आयरन ओर को निकाल कर पिग आयरन बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट किस में बनता है? क्या हमारा कैप्यूला फर्नेस में बनता है, बेसिमर कन्वर्टर में बनता है, ओपन हर्थ फर्नेस में बनता है, या लास्ट फर्नेस में बनता है? क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा? बहुत ही बढ़िया, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां से निकल के आ रहा है? एग्जैक्टली, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां से निकल के आ रहा है? डियर फ्रेंड, यदि हम किसकी बात करें, यदि हम बात करें पिग आयरन की, तो जो हमारा पिग आयरन होता है एक्चुअल में उसको हम कहां पर ले जाते हैं, जो हमारा आयरन ओर होता है यानी कि लोहे का अयस्क होता है उसको हम लेकर जाते हैं किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में। और ब्लास्ट फर्नेस में हम लोगों की जो प्रोसेस होती है उसको चूने के पत्थर के साथ में, कॉक के साथ में गर्म करते हैं, वहां पर स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं। और स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, जो आयरन ओर में हम लोगों की अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को रिमूव करते हैं, देन वहां से हम लोगों को प्राप्त होता है क्या, पिग आयरन। क्लियर है? तो ये हमारा किसका प्रोडक्ट होता है, किसका, ब्लास्ट फर्नेस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है ना? तो क्या करेक्ट आंसर होगा भाई, डी ऑप्शन जो भी स्टूडेंट्स ने दिया है एग्जैक्टली उनका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला गया कास्ट आयरन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसके बारे में पूछा गया है आप लोगों से, कास्ट आयरन के बारे में पूछा गया है, कच्चा लोहा के बारे में पूछा गया है। अब यहां पर कास्ट आयरन को किस फर्नेस में हम लोग बनाते हैं, क्या कैप्यूला फर्नेस में, बेसिमर कन्वर्टर में, ओपन हर्थ फर्नेस में, या ब्लास्ट फर्नेस में? क्या करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड, यदि वो बात करता है किसकी, कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन की कंडीशन में क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा, क्या कैप्यूला आएगा, बेसिमर कन्वर्टर आएगा, ओपन हर्थ फर्नेस आएगा, या ब्लास्ट फर्नेस आएगा? फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए सेकेंड नंबर का। बहुत ही बढ़िया भाई शांतु, यहां पर कास्ट आयरन कैप्यूला की ओर जा रहे हैं, गौरव भरद्वाज कैप्यूला की ओर जा रहे हैं, प्रिंस कुमार ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, प्रिया गौर यहां पर ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या चीज क्लियर करने वाला हूं, यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं आप लोगों के प्रोडक्ट किस फर्नेस में बनते हैं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि वो बात करता है किसकी, पिग आयरन की, तो पिग आयरन हम लोग कहां पर तैयार करते हैं, पिग आयरन को तैयार करने के लिए हम जो फर्नेस का यूज करते हैं वो फर्नेस होती है हमारी कौन सी, ब्लास्ट फर्नेस। यदि हम बात करते हैं कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन हमारा किसका प्रोडक्ट होता है, वो होता है हमारा कैप्यूला फर्नेस का। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, तो यहां पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया रॉट आयरन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसके बारे में पूछा गया भैया,
रॉट आयरन के बारे में पूछा गया है, जो कि हमारा लगभग एक शुद्ध लोहा होता है जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा ना के बराबर होती है। तो इस रॉट आयरन को हम लोग कहां पर बनाते हैं, क्या कपियोला में बनाएंगे, बेसिमर कन्वर्टर में बनाएंगे, पुडलिंग फर्नेस में बनाएंगे या ब्लास्ट फर्नेस में बनाएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। तो फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, किस कंडीशन में, जब वो बात करता है किसकी, रॉट आयरन की, किसकी बात करता है भाई, रॉट आयरन की, जब वो बात करता है उस कंडीशन में। बहुत ही बढ़िया भाई, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का थर्ड नंबर का निकल के आ रहा है, बहुत ही शानदार। आरके यादव यहां पर थर्ड का सी की ओर जा रहे हैं, यानी कि किसकी ओर, पुडलिंग फर्नेस की ओर, बहुत ही बढ़िया। एग्जैक्टली क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आ रहा है, अमित कुमार यहां पर सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। और फटाफट से लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक कर दीजिए डियर फ्रेंड, लाइक एंड वॉच दोनों सेम कर दीजिए, जिससे सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं और सभी स्टूडेंट्स क्लास का फायदा उठा सकें। क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा, तो मैंने तीनों चीजें क्लियर करी जो आप लोगों से जनरली पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लियर किया आप लोगों को पिग आयरन, जो कि आयरन ओर से हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग प्रोसेस के माध्यम से बनाते हैं। तो किसमें बनाते हैं, पिग आयरन को, ब्लास्ट फर्नेस में। कास्ट आयरन की बात करता है कपियोला फर्नेस में, यदि रॉट आयरन की बात करता है तो पुडलिंग फर्नेस में। ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। अब हम आगे चलते हैं। बाय द वे, यदि वो पूछता है आप लोगों से स्टील की, स्टील इज अ प्रोडक्ट ऑफ, हम स्टील को किस फर्नेस में बनाएंगे, क्या कपियोला फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में, पुडलिंग फर्नेस में या फिर बेसिमर कन्वर्टर में, तो क्या करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड, किसकी बात कर रहा है, अभी बात कर रहा है ये स्टील की, किसकी बात कर रहा है, स्टील की। फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, अभी किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्टील की। तो स्टील को हम किसमें बनाते हैं डियर फ्रेंड, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट होगा। बाय द वे स्टील की जब बात करता है तो स्टील की कंडीशन में हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही बढ़िया, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आ रहा है, बेसिमर कन्वर्टर। तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर होना चाहिए, चाहे वह आप लोगों से पिग आयरन की बात करे, कास्ट आयरन की बात करे, रॉट आयरन की बात करे, स्टील की बात करे, सभी का आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट को हम किस फर्नेस में तैयार करते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि रेड हार्डनेस ऑफ एन अलॉय स्टील कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग, यानी कि मिश्र धातु इस्पात की लाल कठोरता, लाल कठोरता इन द सेंस किसकी बात कर रहा है, ये रेड हार्डनेस की बात कर रहा है, रेड हार्डनेस यानी कि हॉट हार्डनेस की बात कर रहा है। तो हम कौन से एलिमेंट को यहां पर ऐड करेंगे एक अलॉय स्टील में, जिससे हमारी हॉट हार्डनेस या रेड हार्डनेस इंप्रूव हो जाएगी, क्या टंगस्टन को करेंगे, वेनेडियम को करेंगे, मैग्नीज को करेंगे या टाइटेनियम को करेंगे, क्या करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड फाइव नंबर का, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट होगा भाई, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा, किस कंडीशन में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है रेड हार्डनेस इंप्रूव करने की। यदि मैं रेड हार्डनेस के बारे में थोड़ा सा क्लियर करूं तो रेड हार्डनेस हम लोगों की क्या होती है, रेड हार्डनेस क्या होती है डियर फ्रेंड, हमारी अलॉय स्टील की ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे कि वो ज्यादा टाइम तक, ज्यादा टेम्परेचर तक अपनी कटिंग एज को बनाए रखता है। ये रेड हार्डनेस, कोल्ड हार्डनेस और टफनेस, ये हमारी कटिंग टूल की एक्चुअल में प्रॉपर्टीज होती है, किसकी होती है, कटिंग टूल की प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है ना। तो यहां पर कटिंग टूल मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में एक्चुअल में पूछा गया है, तो वही चीज है कि हमको रेड हार्डनेस को इंप्रूव करना है, तो वहां पर हम किसको ऐड करेंगे, टंगस्टन, वेनेडियम, मैग्नीज या टाइटेनियम, क्या करेक्ट होगा डियर फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आ रहा है, टंगस्टन। एग्जैक्टली, बिकॉज रीजन क्या है, यहां पर यदि हम टंगस्टन की बात करें, इसका टेम्परेचर जो होता है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वो काफी हाई होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए जब हम किसी भी अलॉय स्टील में टंगस्टन को मिलाते हैं तो वहां पर उसकी क्या इंप्रूव्ड हो जाती है, हॉट हार्डनेस यानी कि रेड हार्डनेस उसकी इंप्रूव्ड हो जाती है। क्लियर है ना। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या आएगा आप लोगों का, ए ऑप्शन, यहां से माय डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की डियर फ्रेंड हम लोग बात करें तो यहां पर क्या बोला गया, वियर रेजिस्टेंस, किसकी बात की गई है, घिसाव प्रतिरोध क्षमता, किसकी बात की गई, घिसाव प्रतिरोध की बात की गई है,
कि वियर रेजिस्टेंस ऑफ एन अलॉय स्टील कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग। वियर रेजिस्टेंस हम लोगों की कब इंप्रूव्ड होगी, क्या हम उसमें टंगस्टन को ऐड करेंगे उस कंडीशन में, वेनेडियम को ऐड करेंगे उस कंडीशन में, मैग्नीज को ऐड करेंगे उस कंडीशन में, या टाइटेनियम को ऐड करेंगे उस कंडीशन में, किस कंडीशन में हमारी क्या वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव होगी। तो यहां पर क्या करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड, सिक्स नंबर की यदि हम लोग बात करें तो सिक्स नंबर में क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आ रहा है। बहुत ही बढ़िया भाई रमाकांत गिरी यहां पर सिक्स नंबर में क्रोमियम की ओर जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, फटाफट से करेक्ट आंसर पोस्ट करिए, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां से निकल के आएगा, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर होगा, किस कंडीशन में बात कर रहे हैं, हमको क्या करना है भैया, वियर रेजिस्टेंस को इंप्रूव करना है, यानी कि घिसाव प्रतिरोध क्षमता को बढ़ानी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा हम लोगों का, बहुत ही शानदार भाई यहां पर क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा, मैग्नीज। यदि हम अलॉय स्टील में मैग्नीज की परसेंटेज मात्रा को इंप्रूव करें या मैग्नीज को ऐड करें, वहां पर क्या होगा, चाहे हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस की बात करें या वियर रेजिस्टेंस की बात करें, दोनों चीज इंप्रूव होती है निकल एंड क्रोमियम को जब हम ऐड करते हैं। यहां पर किसको, मैग्नीज को जब हम ऐड करते हैं, तो यहां पर आप लोगों को ऑप्शन में क्या दिया गया, मैग्नीज दिया गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, मैग्नीज आप लोगों का करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या करेक्ट होगा, सी ऑप्शन मैग्नीज। रेड हार्डनेस की बात करता है तो टंगस्टन आप लोगों का करेक्ट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट यदि बात करें किसकी, कोरोजन रेजिस्टेंस की, तो कोरोजन रेजिस्टेंस में आप लोगों का क्या होता है भाई, मैग्नीज हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, कोरोजन रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, मैग्नीज करेक्ट हो जाएगा, चाहे वह बात करें किसकी, वियर रेजिस्टेंस की या कोरोजन रेजिस्टेंस की, दोनों में हमारा मैग्नीज ऐड हो जाएगा, क्लियर है ना। यहां पर भी क्या करेक्ट होगा, क्या बोल रहा है, कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ एन अलॉय स्टील कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग, किसको हम ऐड करें मिश्र धातु में जिससे कि संक्षारण प्रतिरोध हमारा बढ़ जाए, तो क्या ऐड करेंगे भाई, मैग्नीज ऐड करेंगे। हम यहां पर निकल और क्रोमियम को ऐड करके भी उसको इंप्रूव कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहां पे देखोगे तो हमको सी ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा, क्लियर है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखोगे, बिकॉज यहां पर क्रोमियम निकल हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन क्या मिल जाता है, मैग्नीज ऑप्शन मिल जाता है, तो मैग्नीज को ऐड करके हम कोरोजन रेजिस्टेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप लोगों की, ये जो टंगस्टन है, वेनेडियम है, मैग्नीज है, टाइटेनियम है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जब आप इसके बारे में डिटेल्स में प्रॉपर्टीज को समझोगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती चलेंगी कि भाई टंगस्टन को हम किसी मिश्र स्टील में, अलॉय स्टील में ऐड कर रहे हैं तो वहां पर हमारी रेड हार्डनेस प्रॉपर्टीज क्यों इंप्रूव हो रही है, जब हम मैग्नीज को ऐड कर रहे हैं तो क्यों इंप्रूव हो रही है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना यह है कि भाई ये ऑल स्टील आप यहां पे देख रहे हो, टंगस्टन स्टील, वेनेडियम स्टील, मैग्नीज स्टील, टाइटेनियम स्टील, निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है, तो आप लोगों को इसके डिटेल्स में जरूर पढ़ना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 8 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। यहां पर कमेंट आ रहा है आरएसएस, पेपर की डेट तो आने दो भाई, पेपर की डेट आने के बाद पढ़ाई करोगे क्या आप लोग। चलिए तो क्या करेक्ट आंसर होगा यहां पर, क्या करेक्ट आंसर होगा यहां पर, चलिए यहां पर क्या करेक्ट आंसर होगा, 8 नंबर में क्या बोल रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कंपाउंड रेस्ट सीवलिंग मेथड इन टेपर टर्निंग ऑपरेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेपर, किसकी बात कर रहा है, टेपर टर्निंग ऑपरेशन में हमारा एक कंपाउंड रेस्ट सीवलिंग विधि होती है वो सबसे उपयुक्त होती है, क्या लॉन्ग जॉब विथ स्मॉल टेपर एंगल, यानी कि हमारा कोई बहुत लंबा जॉब है और वहां पर जो टेपर एंगल है वो हमारा काफी कम है, उसके लिए हमारी कंपाउंड स्लाइड स्वीलिंग मेथड यूज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि शॉर्ट जॉब्स विथ स्मॉल टेपर एंगल, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है शॉर्ट जॉब विथ स्टीप टेपर एंगल, लॉन्ग जॉब विथ स्टीप टेपर एंगल, क्या करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड यहां से निकल के आएगा, क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा, किस कंडीशन में पूछ रहा है, कंपाउंड रेस्ट शिवलिंग मेथड की बात कर रहा है कि कंपाउंड रेस्ट शिवलिंग मेथड हमारा टेपर टर्निंग का एक मेथड है जो कि हम लेथ मशीन पर यूज करते हैं और वहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि वो किसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है, किसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है, तो फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, लॉन्ग जॉब विथ स्मॉल टेपर एंगल,
शॉर्ट जॉब विथ स्मॉल टेपर एंगल, शॉर्ट जॉब विथ स्टीप टेपर एंगल, लॉन्ग जॉब विथ स्टीप टेपर एंगल, क्या करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया भाई, 8 नंबर का बी आंसर, सी आंसर, अलग अलग आंसर हम लोगों के पास में निकल के आ रहे हैं। क्या बात है भाई, अलग अलग आंसर क्यों आप लोगों के निकल के आ रहे हैं यहां से? मिथुन मलिक यहां पर 8 का सी दे रहे हैं, राजवीर सिंह डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं भाई, आरती यहां पर सी ऑप्शन की ओर जा रही है, क्या बात है। चलिए अलग अलग ऑप्शन क्यों निकल के आ रहे हैं, अब समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा डियर फ्रेंड। समझने की कोशिश क्या करना है आप लोगों को, हम यदि टेपर टर्निंग की बात करते हैं वहां पर हमारे डिफरेंट मेथड होते हैं, लाइक टेलीस्टॉप ऑफसेट मेथड, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, कंपाउंड स्लाइड स्विवलिंग मेथड, लेकिन यहां पर बात की गई है कंपाउंड स्लाइड स्विवलिंग मेथड की। यदि हम कंपाउंड स्लाइड को थोड़ा सा समझें तो हमारा दो पार्ट में कंपाउंड स्लाइड बना होता है, एक होता है हमारा टॉप स्लाइड, दूसरा होता है हमारा बेस यानी कि उसका आधार। तो हमारे आधार के ऊपर हम टॉप स्लाइड को 360 डिग्री में, मैंने क्या बोला, जो हमारा बेस है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कंपाउंड स्लाइड को 360 डिग्री में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यानी कि सबसे पहली कंडीशन जो बात आ रही है एंगल की, तो एंगल तो हम यहां पर ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन बात अभी दूसरी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या, जॉब की लंबाई की। तो यहां पर क्या होता है, हम यहां पर जब कंपाउंड स्लाइड स्विवलिंग मेथड की बात करते हैं तो वहां पर फीड किसके माध्यम से देते हैं, टॉप स्लाइड के माध्यम से देते हैं, और टॉप स्लाइड की हम लोगों की एक सीमा होती है यानी कि एक लिमिट होती है कि वो इतना ही आगे बढ़ेगा जितनी उसकी रेंज है, राइट। तो यहां पर क्या होता है, हम जो लंबे जॉब है वहां पर लॉन्ग जॉब पर हम कंपाउंड स्लाइड स्विवलिंग मेथड्स के माध्यम से टेपर टर्निंग नहीं कर सकते हैं, बट एंगल हम ज्यादा रख सकते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, शॉर्ट जॉब विथ स्टीप टेपर एंगल, शॉर्ट जॉब विथ स्टीप टेपर एंगल, राइट। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज रीजन क्या है, हम यहां पर ज्यादा एंगल रख सकते हैं, ज्यादा एंगल इन द सेंस स्टीप टेपर हम लोग बना सकते हैं, बट हमारी लेंथ जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, बिकॉज जितना हम लोगों का टॉप स्लाइड है उसकी रेंज है उतनी ही रेंज में हम लोग क्या कर सकते हैं, फीड दे सकते हैं कटिंग टूल को। सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें हम, किसकी डिसएडवांटेज की, कंपाउंड स्लाइड स्विवलिंग मेथड की, तो कंपाउंड स्लाइड स्विवलिंग मेथड के माध्यम से जब हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं तो यहां पर हमारी ऑटोमेटिक फीड नहीं दी जा सकती है, ओनली मैनुअल फीड के माध्यम से टेपर काटना होता है, इसलिए जो हमारी सरफेस फिनिश प्रोड्यूस होती है वो काफी रफ सरफेस फिनिश मिलती है, तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज के अंतर्गत आ जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो यहां पर 9 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहां पर क्या बोला गया है अगले क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्टॉक मेथड ऑफ टेपर टर्निंग ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड मोर, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें टेपर टर्निंग ऑपरेशन की टेलीस्टॉक विधि अधिक पसंद की जाती है। यहां पर हमारा दूसरे मेथड की बात की गई है जो कि हमारा टेपर टर्निंग ऑपरेशन किसके माध्यम से, टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के माध्यम से। तो यहां पर क्या करेक्ट होगा, क्या इंटरनल टेपर्स, स्टीप टेपर्स, स्मॉल टेपर या लॉन्ग सिलेंडर टेपर्स, क्या करेक्ट होगा, किस कंडीशन में, किस कंडीशन में माय डियर फ्रेंड, जब टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड की बात चल रही है। तो यहां पर करेक्ट आंसर दीजिए, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड यहां से। बहुत ही बढ़िया भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा, चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर होगा यहां पर, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्टॉक मेथड ऑफ टेपर टर्निंग ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड मोर, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें टेपर टर्निंग ऑपरेशन की टेलीस्टॉक विधि अधिक पसंद की जाती है। अब देखिए यहां पर टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड की जब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड की जब हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर माय डियर फ्रेंड क्या होता है, वहां पर आप लोगों का क्या होता है, ये हम लोगों का क्या है, मान के चलिए हेडस्टॉक स्पिंडल है, ये हम लोगों का क्या है, मान के चलिए हेडस्टॉक स्पिंडल है, और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर माय डियर फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर माय डियर फ्रेंड हम लोग करते हैं कि हेडस्टॉक स्पिंडल और टेलीस्टॉक स्पिंडल के एक्सिस को एक एंगल में रखते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, एक वर्कपीस है,
ये वर्कपीस है, और लेथ एक्सिस की बात करें तो यहां पर ये हम लोगों की लेथ एक्सिस है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा कि हमने वर्कपीस को लेथ एक्सिस से आउट किया है। ये हमारा क्या हेडस्टॉक स्पिंडल है, ये हम लोगों का टेलीस्टॉक स्पिंडल है। तो यहां पर क्या किया, टेलीस्टॉक को हमने ऑपरेटर के अपोजिट साइड क्या कर दिया, ऑफसेट कर दिया, यानी कि हमारा वर्कपीस एक एंगल में सेट हो गया। तो टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के प्रिंसिपल की यदि हम लोग बात करें, सिद्धांत की यदि हम लोग बात करें, तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, हम यदि टेपर की बात करें, नॉर्मली समझने की कोशिश करिएगा इन चीजों को, यदि हम किसकी बात करें, टेपर की बात करें, तो यदि हम लेथ मशीन पर हमको टेपर सरफेस को प्रोड्यूस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हमारा जो वर्कपीस है वो लेथ के सेंटर टू सेंटर बंधा हो या लेथ एक्सेस में होल्ड हो, और हम कटिंग टूल को लेथ एक्सेस से एक एंगल में मूवमेंट कराएं, राइट। तो या तो हमारा कटिंग टूल लेथ एक्सिस से एंगल में मूवमेंट करेगा, या हमारा वर्कपीस एक एंगल में सेट होगा और उस कंडीशन में हमारा कटिंग टूल लेथ एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा। जब दोनों कंडीशन में हमारा क्या होगा, टेपर सरफेस प्रोड्यूस होगी। यदि हम बात करें किस कंडीशन की, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड की, वहां पर क्या करते हैं, हमारा वर्कपीस लेथ एक्सिस में होता है और हमारा कटिंग टू लेथ एक्सिस से एक एंगल में मूव करता है, तो वहां पर क्या हुआ, टेपर सरफेस प्रोड्यूस हुई। यदि हम कंपाउंड स्लाइड सिविलिंग मेथड की बात करें, वहां पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, हमारा वर्कपीस लेथ एक्सिस में बंधा होता है, यानी कि प्रॉपर ट्रू घूमता है, कॉन्सेंट्रिक रोटेट करता है लेथ एक्सिस में, देन वहां पर कटिंग टूल हमारा क्या होता है, कटिंग टूल हमारा एक एंगल में मूवमेंट लेता है। लेकिन टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में ऐसा नहीं होता है। टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में क्या होता है, ये हम लोगों का एक कटिंग टूल है, ये हम लोगों का क्या एक कटिंग टूल है, ये हम लोगों का एक कटिंग टूल है। तो जो कटिंग टूल का मूवमेंट रहेगा, वो कटिंग टूल का मूवमेंट कैसा रहेगा, लेथ एक्सिस के पैरेलल, कैसा रहेगा, लेथ एक्सिस के पैरेलल। तो यहां पर क्या हुआ, यदि हम टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड की बात करें, टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में वर्कपीस को लेथ एक्सिस से आउट रखा जाता है और कटिंग टूल को लेथ एक्सिस के पैरेलल मूव किया जाता है, देन हमारी जो सरफेस प्रोड्यूस होती है वो टेपर सरफेस प्रोड्यूस होती है, राइट। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है। अब डियर फ्रेंड समझिएगा, यहां पर कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, इतनी देर मैंने आप लोगों को टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड समझाया, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई द फैक्ट, जो हम क्या करते हैं, जो हमारा टेलीस्टॉक है उसको क्या करते हैं, हेडस्टॉक सेंटर से आउट करते हैं। तो वो दो कंडीशन में आउट करते हैं, एक होता है कि ऑपरेटर की साइड ऑफसेट करना, एक ऑपरेटर के अपोजिट ऑफसेट करना। लाइक जैसे कि यहां पर हम लोगों का क्या है, ये ऑपरेटर है हम लोगों का, यहां पर क्या है, ये हम लोगों का क्या है, ऑपरेटर है भाई, ये हम लोगों का ऑपरेटर है। हमने क्या किया, ऑपरेटर के अपोजिट यानी कि ऑपरेटर के अपोजिट साइड टेलीस्टॉक स्पिंडल को ऑफसेट किया, तो वहां पर हमारा बड़ा डायामीटर किधर बनेगा और छोटा डायामीटर किधर बनेगा। मैंने क्या बोला कि टेलीस्टॉक की बॉडी को ऑपरेटर के अपोजिट ऑफसेट किया गया है, वहां पर स्मॉल डायामीटर और बिग डायामीटर किधर होगा, क्या स्मॉल डायामीटर टेलीस्टॉक की साइड, बड़ा डायामीटर हेडस्टॉक की साइड, या बड़ा डायामीटर टेलीस्टॉक की साइड, छोटा डायामीटर हेडस्टॉक की साइड। फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट होगा, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट होगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्या करेक्ट होगा। मैंने क्या बोला, हम लोगों ने किस प्रकार ऑफसेट किया है, हम लोगों ने ऑफसेट किया है ऑपरेटर के अपोजिट साइड, ऑपरेटर के अपोजिट साइड ऑफसेट किया है, उस कंडीशन में छोटा डायामीटर और बड़ा डायामीटर किधर बनेगा। भाई कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, फटाफट से कमेंट करिए। लार्ज डाया टेलीस्टॉक, स्मॉल डाया हेडस्टॉक, मिथुन मलिक, रोहित सिंह दे रहे हैं स्मॉल डाया हेडस्टॉक, बहुत ही बढ़िया भाई। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़ा डायामीटर हम लोगों का किधर बनेगा, यदि हम लार्ज डायामीटर की बात करें तो लार्ज डायामीटर हम लोगों का किधर बनेगा, भाई लार्ज डायामीटर आप लोगों का किधर बनेगा, टेलीस्टॉक की साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन में ऑफसेट किया है ना। देखिए समझिएगा, जैसे कि समझिएगा, एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा,
समझने की कोशिश करिएगा यहां पर, समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, ये डाउट मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों का, थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहूंगा, बिकॉज यहां से डाउट यदि रह गया तो दिक्कत आएगी आप लोगों को। अब देखिए यहां पर क्या है, ये आप लोगों का सेंटर है और ये आप लोगों का लेथ का सेंटर है, राइट। अब यहां पर ये आप लोगों का कटिंग टूल है, ये आप लोगों का क्या है, कटिंग टूल है, ये आप लोगों का क्या है, कटिंग टूल है। यहां से आप फीड कैसे दोगे, आप सॉरी डेप्थ ऑफ कट कैसे दोगे, डेप्थ ऑफ कट यहां से दोगे ना आप, डेप्थ ऑफ कट दोगे कहां से, लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर, लेथ एक्सिस के 90 डिग्री में आप क्या दोगे, डेप्थ ऑफ कट दोगे। मान के चलिए आप यहां से डेप्थ ऑफ कट लेते हैं, यहां से आप कितना, यहां पर 1 mm की डेप्थ ऑफ कट लेते हैं, कितना 1 mm की डेप्थ ऑफ कट लेते हैं, तो ये 1 mm यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते होते यहां पर कितना हो जाएगा भाई, लगभग 3 या 4 mm। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने एंगल में हम लोगों ने रोटेट किया है। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया डियर फ्रेंड, हमारा बड़ा डायमीटर किधर बना, इधर बना ना, क्योंकि यहां तो 1 mm हम डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं लेकिन इधर हमारा ज्यादा मटेरियल कट रहा है, इधर हमारा कम मटेरियल कट रहा है। और जस्ट इसकी अपोजिट कंडीशन में क्या होगा, यदि हमारा वर्कपीस इधर की साइड होगा, ऑपरेटर की साइड होगा, और हम यदि यहां पर 1 mm डेप्थ ऑफ कट लेंगे तो इधर धीरे धीरे वो डेप्थ ऑफ कट हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्लियर है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट होता है, हो जाता है। यानी कि क्या चीज क्लियर करना चाह रहा हूं, जब हम टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के माध्यम से टेपर टर्निंग करते हैं और हमारी टेलीस्टॉक की बॉडी ऑपरेटर की साइड ऑफसेट होती है, उस कंडीशन में हमारा स्मॉल डायामीटर टेलीस्टॉक की साइड होता है और हमारा लार्ज डायामीटर हेडस्टॉक की साइड होता है। जब हम हमारी टेलीस्टॉक की बॉडी ऑपरेटर के अपोजिट साइड ऑफसेट की जाती है, उस कंडीशन में हमारा लार्ज डायामीटर टेलीस्टॉक की साइड होता है और स्मॉल डायामीटर हेडस्टॉक की साइड होता है, क्लियर है। चलिए भाई, चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर करेक्ट होगा लॉन्ग सिलेंडर टेपर। क्यों, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या है, दोनों सेंटर बिटवीन सेंटर होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड यहां पर क्या है, हम लोग बिटवीन सेंटर वर्कपीस को होल्ड कर रहे हैं और वहां पर कटिंग कर रहे हैं। टेलीस्टॉक के यदि डिसएडवांटेज की बात करें तो टेलीस्टॉक का डिसएडवांटेज क्या होता है, यहां पर हम इंटरनल टेपर को नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते इंटरनल टेपर को, बिकॉज यहां पर वर्कपीस को हम सेंटर टू सेंटर बिटवीन सेंटर होल्ड करते हैं, इसलिए इंटरनल टेपर काटना पॉसिबल नहीं होता है। सेकेंड चीज क्या होती है, यहां पर हम लोग स्टीप टेपर नहीं काट सकते, स्टीप टेपर यानी कि ज्यादा एंगल वाले टेपर, क्लियर है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज होते हैं, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर कि समानांतर बांसुरी ड्रिल के लिए हेलिक्स कोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हेलिक्स एंगल फॉर पैरेलल फ्लूइड ड्रिल। किसकी बात कर रहा है भाई, पैरेलल फ्लूइड ड्रिल की बात कर रहा है, पैरेलल फ्लूइड ड्रिल किसकी बात कर रहा है, पैरेलल फ्लूइड ड्रिल की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल फ्लूइड ड्रिल में हमारा हेलिक्स एंगल के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट होगा, क्या उसमें पॉजिटिव हेलिक्स एंगल होता है, नेगेटिव हेलिक्स एंगल होता है, जीरो हेलिक्स एंगल होता है, या नॉन ऑफ द एबव, क्या करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड, फटाफट से करेक्ट आंसर दें, फटाफट से करेक्ट आंसर दें। किसकी बात कर रहा है, पैरेलल सेंक ड्रिल की बात, सॉरी पैरेलल फ्लूइड ड्रिल की बात कर रहा है, और वहां पर पैरेलल फ्लूइड ड्रिल में हेलिक्स एंगल आप लोगों से पूछा गया है, तो क्या करेक्ट होगा, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत शानदार, फटाफट से डियर फ्रेंड, सारे स्टूडेंट लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं लाइक कर दीजिए, जिससे सारे स्टूडेंट जुड़ सकें। क्या करेक्ट हो जाएगा यहां पर हम लोगों का, जीरो हेलिक्स एंगल। क्यों, क्योंकि भाई वहां पर तो हमारे स्ट्रेट फ्लूइड कटे हुए हैं ना, वो क्लियर बोल रहा है कि पैरेलल फ्लूइड ड्रिल है, तो वहां पर हमारा कोई भी एंगल एक्चुअल में नहीं दिया गया है, इसलिए क्या करेक्ट होगा, जीरो हेलिक्स एंगल, क्लियर है ना।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। यहां पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हेलिक्स एंगल फॉर लेफ्ट हैंड फ्लूइड ड्रिल। किसकी बात कर रहा है? लेफ्ट हैंड फ्लूइड ड्रिल की बात कर रहा है कि बाएं हाथ की बांसुरी ड्रिल के लिए हेलिक्स कोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? क्या वहां पर पॉजिटिव हेलिक्स एंगल है, निगेटिव हेलिक्स एंगल है, जीरो हेलिक्स एंगल है, या नॉन ऑफ द अबव? क्या करेक्ट होगा? किस कंडीशन में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है लेफ्ट हैंड फ्लूटेड ड्रिल की। किसकी बात कर रहा है? लेफ्ट हैंड फ्लूटेड ड्रिल की बात कर रहा है। तो फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा? फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा भाई? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, या नॉन ऑफ द अबव? ओके, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा? बहुत ही बढ़िया, रामकृष्ण यहां पर ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, अनिक कुमार पटेल ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। भाई यहां पर देखिए यही चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हमारे दो टाइप के ड्रिल होते हैं, चाहे वह ड्रिल हो चाहे वह रीमर हो, राइट? कौन कौन से? एक होते हैं हमारे राइट हैंड हेलिकल फ्लूट वाले ड्रिल, दूसरे होते हैं लेफ्ट हैंड हेलिकल फ्लूट वाले ड्रिल। तो यहां पर एक्चुअल में थोड़ा सा मैकेनिकल वे में आप समझने की कोशिश करोगे तो जो राइट हैंड हेलिकल फ्लूटेड ड्रिल होते हैं वहां पर हम लोगों का जो एंगल होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव हेलिक्स एंगल होता है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट हैंड फ्लूटेड ड्रिल होते हैं, क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड फ्लूटेड ड्रिल, चाहे लेफ्ट हैंड फ्लूटेड ड्रिल हो या लेफ्ट हैंड हमारे क्या हो, लेफ्ट हैंड फ्लूटेड ड्रिल हो या लेफ्ट हैंड हमारे रीमर हो, लेफ्ट हैंड फ्लूटेड रीमर, वहां पर क्या होता है? निगेटिव हेलिक्स एंगल होता है। क्या होता है? निगेटिव हेलिक्स एंगल, जस्ट हमारा अपोजिट। जैसे कि समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि ये हमारी क्या एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है। यदि हम राइट हैंड की बात करें तो हमारा क्या यहां से फ्लूट है, और लेफ्ट हैंड की बात करें यहां से, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। इसलिए वो यहां पर क्या बोलता है, जब वो बात करता है किसकी? लेफ्ट हैंड फ्लूट ड्रिल की, तो उस कंडीशन में क्या होगा? नेगेटिव होगा। यदि बात करता है किसकी? राइट हैंड फ्लूटेड की, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है माय डियर फ्रेंड? ये चीज आप लोगों को क्लियर होती चल रही है? ये चीज आप लोगों को समझ आई? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर रही है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? क्योंकि यहां से क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? यदि वो राइट हैंड फ्लूटेड की बात करता है पॉजिटिव की ओर जाओगे, यदि लेफ्ट हैंड फ्लूटेड की बात करता है तो आप लोगों को नेगेटिव की ओर जाना है, यदि स्ट्रेट फ्लूटेड की बात करता है तो आप लोगों को कहां जाना है? जीरो हेलिक्स एंगल की ओर जाना है, राइट? चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, मैंने अभी आप लोगों को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फ्लूटेड के साथ में मैंने आप लोगों को हेलिक्स एंगल को क्लियर किया, और यहां पर हेलिक्स एंगल एक्चुअल में क्या होता है? एक रैक एंगल की तरह होता है, चाहे वह रीमर हो चाहे वो हमारा ड्रिल हो, राइट? तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा अपना कॉमन माइंड, कहीं पर आपने ब्लॉग में देखा है, बुक्स में देखा है, वहां से कॉपी नहीं करना है, अपने दिमाग को लगाना है और मुझे आंसर बताइएगा। क्या क्वेश्चन है? द टाइप ऑफ रीमर यूज्ड फॉर रीमिंग सॉफ्ट एल्यूमिनियम और कॉपर इज, यानी कि किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है यहां पर रीमर की, किसके लिए रीमिंग करना है? सॉफ्ट एल्यूमिनियम और कॉपर, एल्यूमिनियम कॉपर की आप लोगों को रीमिंग करनी है। वहां पर माय डियर फ्रेंड आप किस प्रकार के रीमर का यूज करोगे? देखिए ऑप्शन में यदि बात करें तो क्या बोल रहा है, स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर, लेफ्ट एंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर, राइट एंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर, या एनी वन ऑफ दिस, क्या करेक्ट होगा? किसकी बात कर रहा है यहां पर? एल्यूमिनियम और कॉपर की आप लोगों को रीमिंग करनी है। क्या करेक्ट होगा डियर फ्रेंड? फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया भाई, प्रकाश कुमार, राजेंद्र साहू, दीमान सिंह नेगेटिव फॉर लेफ्ट, बहुत बढ़िया, राजेंद्र साहू ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, दीपक कुमार, बहुत ही बढ़िया भाई, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल क्या रहा है यहां पर? राइट हैंड फ्लूटेड, लेफ्ट हैंड फ्लूटेड, या स्ट्रेट फ्लूटेड? अब देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट सी दे रहे हैं, किसको? राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर की ओर।
अब थोड़ा सा समझिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर मिल जाएगा और अलग अलग जगह पर आप इसके आंसर को अलग अलग पाओगे, राइट। चाहे आप किसी बुक्स में, यदि आप अलग अलग बुक्स में भी कंपेयर करोगे वहां पर भी आपको आंसर में कंफ्यूजन मिल जाएगा, बट एक सिंपल वे में थोड़ा सा समझने की कनेक्ट होकर कोशिश करिएगा। मैंने आप लोगों को रैक एंगल पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं रैक एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। भाई रैक एंगल जो होता है, वो रैक एंगल हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो या कोई अदर कटिंग टूल है, वहां पर रैक एंगल का पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है कि चिप फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, चिप्स के बहाव को कंट्रोल करना। और यहां पर चाहे हम ड्रिल की बात करें, रीमर की बात करें, यहां पर भी उसका काम क्या होता है, जो हेलिक्स एंगल है वो हमारे चिप्स को बाहर निकालने का काम करता है, राइट, चिप्स को बाहर निकालने का काम करता है। अब यहां पर समझिएगा, वो बात कर रहा है किसकी, एल्यूमिनियम की और कॉपर की। किसकी बात कर रहा है, एल्यूमिनियम की और कॉपर की। अब यहां पर थोड़ा सा डियर फ्रेंड ये चीज क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, क्या क्लियर होना चाहिए कि यहां पर मैंने क्लियर क्या किया था कि जो हमारे लेफ्ट एंड होते हैं, लेफ्ट एंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर होते हैं, यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं निगेटिव। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, निगेटिव। इसको क्या बोल सकते हैं, निगेटिव रैक एंगल वाले। और इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, पॉजिटिव रैक एंगल राइट एंड फ्लूइड को। तो सबसे पहला जो डाउट है आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, जो हमारे राइट एंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर होते हैं उनका यूज हम कहां पर करते हैं, उनका यूज माय डियर फ्रेंड हम करते हैं जो हमारे सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल होते हैं, यानी कि जो नरम पदार्थ होते हैं उनकी जब हमको रीमिंग करनी होती है वहां पर हम यूज करते हैं राइट एंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर का। लेफ्ट एंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर का कहां पर यूज करते हैं, जो हमारे ब्रटल मटेरियल होते हैं, जो हमारे भंगुर पदार्थ होते हैं उनकी हम लोगों को जब रीमिंग करनी होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, लेफ्ट एंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर का। यदि ओनली हम स्पाइरल फ्लूटेड रीमर की बात करें, चाहे राइट एंड हो चाहे लेफ्ट एंड हो, जो हमारा हॉल होता है उसमें हमारे कीवेज कटा हुआ है या कोई ग्रूव कटा हुआ है, और उस ग्रूव या कीवेज वाले हॉल को जब हम लोगों को रीमिंग करनी होती है वहां पर हमारा मस्ट होता है कि हम लोग किसका यूज करें, स्पाइरल फ्लूटेड रीमर का यूज करें। अब वो मटेरियल कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चूज करना होता है कि राइट एंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर का यूज करें या लेफ्ट एंड स्पाइरल फ्लूटेड का रीमर का यूज करें। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि यदि हम वहां पर स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर का यूज करेंगे तो वहां पर हमारा स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर का जो टीथ है वो हमारे उसमें क्या करेंगे, फंस जाएगा, राइट। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल के लिए राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड। तो हमारा यदि मटेरियल की बात करें, एल्यूमिनियम कॉपर हमारा क्या है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड। क्या होगा भैया, सी ऑप्शन। किस किसने सी ऑप्शन दिया था फटाफट से कमेंट में बताइए, क्या करेक्ट होगा, राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होती चल रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। देखिए कोई भी चीज है ना, यहां पर एक चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज का बेस आप लोगों को यदि समझ आ गया ना तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको कहीं कहीं रॉन्ग मिल जाएंगे, कई जगह पर रॉन्ग मिल जाएंगे, बट आपको यदि बेस क्लियर है ना तो आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होगा, हाँ भाई मैं जो आंसर बता रहा हूं मैं लॉजिक के साथ में बता रहा हूं और ये मेरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप उसकी जड़ तक उन चीजों को समझ चुके हो, एंगल को समझ सकते हो, किस एंगल का क्या काम है, वो वहां पर आखिर ऐसे चीज क्यों बोल रहा है। इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन ऐड किए, इससे पहले जो आप लोगों के लिए ड्रिल का ऐड किया था कि लेफ्ट हैंड फ्लूटेड ड्रिल है उसमें किस प्रकार का हेलिक्स होगा, पॉजिटिव निगेटिव, वो इसलिए ऐड किया था ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाओ, यहां पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों को। क्लियर है ना, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई आगे के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर अगले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है द कंपोनेंट्स ऑफ द सरफेस टेक्सचर ओपन विच द रफनेस इज सुप्रीम पोज इज नाउ एज, यानी कि सतह संरचना के घटक जहां रूक्षता अध्यारोपण है उसे कहा जाता है सरफेस टेक्सचर, वेबिनेस, रफनेस या डायरेक्शन ऑफ ले। क्या करेक्ट हो, फटाफट से करेक्ट आंसर दें, क्या करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड, क्या करेक्ट होगा, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट होगा। यहां पर क्या बोल रहा है, द कंपोनेंट्स ऑफ द सरफेस टेक्सचर ओपन विच द रफनेस इज सुप्रीम पोज इज नाउ एज, यानी कि सतह संरचना के घटक
जहां पर रुच्छता अध्यारोपण है उसे कहा जाता है क्या? सरफेस टेक्सचर कहा जाता है, वेबिनेस कहा जाता है, रफनेस कहा जाता है, या डायरेक्शन ऑफ ले कहा जाता है? फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। राजेश घोष यहां पर बी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, सैजिद खान यहां पर सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई। संजीत कुमार यहां पर बी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आ रहा है? भाई अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए, आप लोगों के अलग अलग आंसर आने लगते हैं, क्या बात है भाई। मैंने सरफेस फिनिश के टर्म को आप लोगों को क्लियर किया है, चाहे वह वेबिनेस हो, सरफेस टेक्सचर हो, रफनेस हो, डायरेक्शन ऑफ प्ले क्या है, उसके कंप्लीट वीडियो यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। आप लोगों को सर्च करना होगा, सरफेस रफनेस स्पेशल टेक्नो डालोगे तो टॉप पर आ जाएगी। सरफेस रफनेस के सारे टर्म को बहुत डिटेल में फिगर के माध्यम से क्लियर किया है, तो वहां से जाकर वीडियो को जरूर देख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियरली मैं बोल रहा हूं रिकमेंडेशन के साथ में। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का, किसके ऊपर अध्यारोपण, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेबिनेस यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना? क्या हो जाएगा? वेबिनेस। जो भी स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन दिया उनका यहां पर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, गो साइड ऑफ द प्लग गेज विल हैव द डायामीटर इक्वल टू, यानी कि प्लग गेज का गो पार्ट्स का व्यास किसके समतुल्य होगा? एक्चुअल साइज ऑफ द जॉब, बेसिक साइज ऑफ द जॉब, मिनिमम साइज ऑफ द जॉब, मैक्सिमम साइज ऑफ द जॉब, किसकी बात कर रहे हैं? गो साइड ऑफ द प्लग गेज। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के माइंड में जो आना चाहिए वो आना चाहिए प्लग गेज, किसकी बात कर रहा है? प्लग गेज इन द सेंस हम किसको चेक करेंगे, किसी हॉल के डायमेंशन को चेक करेंगे। जब हम हॉल के डायमेंशन को चेक करेंगे तो वहां पर पता है कि गो साइड हम लोगों का हॉल के अंदर जाना चाहिए, नॉट गो सिरा हम लोगों का नहीं जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में गो सिरा हम लोगों का किस साइज में होगा और नॉट गो सिरा किस साइज में होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। बाकी मैंने एनसीएल की डेमो क्लासेस में बहुत ही बढ़िया एनिमेशन की तरीके से आप लोगों को बताया है इन सब चीजों को, तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता आप लोगों का रॉन्ग होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत शानदार अमित कुमार, एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया भाई, मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे रहे हैं, एग्जैक्टली। तो क्या करेक्ट होगा यहां पर, किसकी बात कर रहा है? प्लग गेज की बात कर रहा है, तो गो साइड किसके बराबर होगा? मिनिमम साइज ऑफ द जॉब, क्या होगा? मिनिमम साइज ऑफ द जॉब, बिकॉज रीजन क्या है समझिएगा, मान के चलिएगा ये हम लोगों का हॉल है, मान के चलिएगा ये हॉल है, मान के चलिए यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा जिनको क्लियर नहीं है, और इस हॉल का जो साइज हम लोगों को बनाना है वो 25 प्लस माइनस 0.5। मैंने क्या बोला कि ये हम लोगों ने डायमेंशन दे दी हॉल की 25 प्लस माइनस 0.5, इन द सेंस इसका मिनिमम साइज हम लोगों का कितना हो गया, 24.5 हो गया मिनिमम साइज, एंड मैक्सिमम साइज कितना हो गया, 25.5 मिलीमीटर मैक्सिमम साइज हो गया। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा गो सिरा होगा प्लग गेज का वो इसके अंदर चला जाना चाहिए, नॉट गो सिरा नहीं जाना चाहिए। तो गो सिरा क्या होगा, 24.5 मिलीमीटर का। क्यों? क्योंकि यदि भाई हमारा गो सिरा चला गया तो हमको क्या पता है कि हमारा जो हॉल का साइज है वो 24.5 मिलीमीटर से ज्यादा है। जब ज्यादा होगा, इक्वल होगा, जभी तो उसके अंदर जाएगा ना। और जो नॉट गो सिरा होगा, जो हमारा नो गो सिरा होगा, जो हमारा नो गो सिरा होगा वो किसके बराबर होगा, इसके मैक्सिमम साइज के बराबर होगा। यदि हमारा गो सिरा चला गया देन हम लोग क्या करेंगे, नॉट गो सिरे को उसके अंदर डाल के देखेंगे। यदि भाई नॉट गो सिरा भी उसके अंदर चला गया तो हमको क्या पता चल गया कि भाई जो हमारा हॉल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं 25.5 मिलीमीटर साइज से ज्यादा बना हुआ है। तो वहां पर हम लोगों को पता चल जाएगा हमारा कंपोनेंट क्या हो गया, भाई रिजेक्ट हो गया है। यदि हमारा गो सिरा चला जाता है, नॉट गो सिरा नहीं जाता है, तो हम लोगों को क्या पता चल गया, हम वहां पर चेक कर पा रहे हैं कि हमारा जो हॉल है वो एक साइज में है, यानी कि 24.5 मिलीमीटर से लेकर 25.5 मिलीमीटर, इन दोनों के बीच की रेंज में हम लोगों का हॉल है। इन द सेंस ये हॉल जो हमारा कंपोनेंट है वो एक्सेप्टेबल साइज में है, राइट? तो ये चीजों को समझिएगा। यदि हम बात करते हैं रिंग गेज की, तो वहां पर जस्ट अपोजिट हो जाता है, वहां पर हमारा गो सिरा मैक्सिमम साइज के इक्वल होता है और नॉट गो सिरा हमारा मिनिमम साइज के इक्वल होता है, राइट? तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे को क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी को डाउट है
तो एनसीएल डेमो क्लासेस करके अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप लोगों के एनसीएल का जो प्लेलिस्ट है उसी में मिल जाएगा। तो वहां पर मैंने गो एंड नो गो गेजेस के प्रिंसिपल को क्लियर किया है कि वो किस प्रिंसिपल पर किस प्रकार कार्य करते हैं, उसको जाके देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। बोला जा रहा है यहां पर, इफ द जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिंबल डिवीजन ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज बिलो द डेटम लाइन व्हेन द मेजरिंग फेसेस ऑफ द माइक्रोमीटर आर इन कॉन्टेक्ट द एरर इज। यानी कि यहां पर क्लियर किया गया है कि जब हमारे माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसेस आपस में कॉन्टेक्ट में होते हैं, वहां पर थिंबल की जीरो लाइन हमारी बैरल की डॉटम लाइन से नीचे रह जाती है, यानी कि बिलो रह जाती है, उस कंडीशन में हमारे माइक्रोमीटर में कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या नॉन ऑफ द, क्या करेक्ट आंसर होगा भाई, फटाफट से करेक्ट आंसर दें, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा। बहुत बढ़िया भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जीरो एरर दे रहे हैं भाई, क्या बात है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से है, काफी बार आप लोगों को क्लियर भी किया है भाई, रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जैक्टली। चलिए समझिएगा, यहां पर समझिएगा डियर फ्रेंड, क्या करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा ना, पॉजिटिव, क्या करेक्ट होगा, पॉजिटिव एरर। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जब हमारे माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेस आपस में कॉन्टेक्ट में होते हैं, वहां पर थिंबल की जीरो लाइन, थिंबल की जीरो ग्रेजुएशन बैरल की डेटम लाइन से मैच नहीं करती है, चाहे वह ऊपर हो या नीचे हो, उसको बोलते हैं जीरो एरर। उस जीरो एरर को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर उस कंडीशन में होगा जब हमारा थिंबल का जीरो डेटम लाइन से नीचे रह जाता है, पीछे रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं बिलो यानी कि नीचे, तो वो हमारा क्या पॉजिटिव एरर है। नेगेटिव एरर की कंडीशन में जब हमारा थिंबल का जीरो डेटम लाइन से ऊपर चला जाता है, एबव रहता है, उस कंडीशन में हमारा नेगेटिव एरर होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर बोला गया है व्हाट कूलेंट इज रिकमेंडेड फॉर टैपिंग कॉपर, यानी कि कॉपर की टैपिंग के लिए कूलेंट की सिफारिश की जाती है, किस कूलेंट की, क्या हम केरोसिन का यूज करते हैं, लार्डोल का यूज करते हैं, सोडा वाटर या ड्राई, क्या करेक्ट होगा, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं हम, टैपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, टैपिंग कर रहे हैं, टैपिंग के लिए किस कूलेंट की सिफारिश की जाती है, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया भाई, क्या करेक्ट होगा आप लोगों का, केरोसिन, मिट्टी के तेल, मिट्टी का तेल, क्लियर है ना, तो क्या होगा, केरोसिन हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन के यदि हम बात करें, यहां पर बोला गया माय डियर फ्रेंड कि इट वॉज फाउंड दैट द क्रस्ट ऑफ थ्रेड वॉज नॉट फॉर्म्ड थ्रू आउट आफ्टर थ्रेडिंग अ होल बाय अ टैप। यानी कि यहां पर बोला गया कि टैप के द्वारा छेद को पिरोने के बाद, यानी कि टैप के द्वारा एक होल में थ्रेडिंग करने के बाद भी तंतु की चोटी नहीं उत्पन्न हुई, यानी कि थ्रेड का क्रस्ट पूरी तरह से अपने फॉर्म में नहीं आया है, क्रस्ट अपने आकार में नहीं आया है, तो इस त्रुटि का, इस एरर का क्या रीजन हो सकता है, जो डिफेक्ट आया हुआ है कि हमारा जो क्रस्ट है वो पूरी तरह से फॉर्म में नहीं आया हुआ है, उसका क्या रीजन है। ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन, पहले ऑप्शन में बोला गया है थर्ड टैप नॉट यूज, क्या हमने तीसरे टैप का प्रयोग नहीं किया, या टैप का कॉर्नर टूटा हुआ है यानी कि उसके कटिंग एज टूटे हुए हैं, या टैप ड्रिल आकार से छिद्र का आकार थोड़ा सा कम है, या टैप ड्रिल आकार से छिद्र का आकार थोड़ा सा ज्यादा है, क्या करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर का, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए और लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक भी कर दीजिए भाई, साथ में लाइक एंड वॉच सेम क्यों नहीं करते आप लोग, बार बार बोलने की जरूरत पड़ जाती है। आरके यादव 17 का डी दे रहे हैं, अनिल मुंडा यहां पर डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, राजेश यहां पर डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, सीलू बहुत ही बढ़िया, सीलू का ए ऑप्शन की ओर जा रहा है, और क्या बात है भाई, रोहित यहां पर डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, एग्जैक्टली।
समझिएगा क्वेश्चन को, समझिएगा क्वेश्चन को, समझने की जरूरत है। यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा हम लोगों का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि जो हमारा हॉल का साइज है, जो हॉल का साइज है वो हमारा टेप ड्रिल साइज से थोड़ा सा बड़ा है। अब समझिएगा क्वेश्चन को, बड़ा है। अब यहां पर हम छोटा क्यों रखते हैं, जैसे कि टेप साइज हमारा 10 मिलीमीटर है, वहां पर हमारा ड्रिल हॉल साइज जो होगा वो क्या होगा, 10 मिलीमीटर से कम होगा। क्यों? क्योंकि हम टैपिंग अलाउंस रखते हैं, यानी कि टैप को काटने के लिए मटेरियल भी तो चाहिए ना भाई, कि मटेरियल हम लोगों का होगा जभी तो वो टैप कटिंग कर पाएगा। अब वहां पर यदि मटेरियल ही नहीं है, यदि हम लोगों का जो टैप ड्रिल साइज होना चाहिए उससे बड़ा हॉल बना दिया, तो टैप तो हम लोगों ने फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप यूज किया, बट थर्ड टैप को कटिंग करने के लिए मटेरियल ही नहीं मिला, तो वहां पर उसके क्रस्ट का फॉर्म कैसे आएगा? बिकॉज रीजन क्या है, जो हमारा टैप का रूट होगा वो हमारी थ्रेड का क्रस्ट बनाएगा। अब हमारे देखिए, समझिएगा इसको, थोड़ा सा समझने की बहुत जरूरत है, क्लियर है ना, समझने की जरूरत है इसको, थोड़ा सा समझिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए क्या समझना है आप लोगों को, समझना यह है, यह मान के चलिए कि भाई ये हम लोगों का एक टैप है। अब इसमें क्या है, दो चीज है, एक ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का क्रस्ट है और ये हम लोगों का रूट है, ये हम लोगों का रूट है। समझते चलिएगा जो मैं चीजों को क्लियर कर रहा हूं। अब यहां पर क्या है, अब ये तो हमारा क्या टैप है, अब ये जब ये हमारा क्या करेगा, थ्रेड बनाएगा, तो जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा इसका क्रस्ट है वो किसका निर्माण करेगा, थ्रेड के रूट का निर्माण करेगा, वो किसका निर्माण करेगा, थ्रेड के रूट का निर्माण करेगा, और जो रूट है वो हमारा थ्रेड का क्या बनाएगा भाई, क्रस्ट बनाएगा। अब जब हम इसको टैप को स्टार्ट करते हैं, टैपिंग करना किसी हॉल में स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले टैप का कौन सा पार्ट कॉन्टैक्ट में आता है, यदि मैं आप लोगों से पूछूं टैप का कौन सा पार्ट कॉन्टैक्ट में आता है, तो हमारा कौन सा पार्ट कॉन्टैक्ट में आता है भाई, क्रस्ट कॉन्टैक्ट में आएगा ना, तो क्रस्ट क्या बनाता है, रूट बनाता है, तो क्रस्ट तो हमारा रूट का आकार तो आ जाएगा, रूट का आकार तो आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्रस्ट कॉन्टैक्ट में आया, लेकिन जो हमारा रूट है वो क्या बना रहा है, थ्रेड का क्रस्ट बना रहा है। यदि हमारे रूट को मटेरियल ही नहीं मिलेगा, यानी कि ये पूरा टीथ हमारे हॉल के अंदर ही नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से हमारा हॉल क्या है, बड़ा है, यानी कि ओवरसाइज्ड हॉल है अकॉर्डिंग टू टैप ड्रिल साइज, तो वहां पर जो रूट है ना उसको क्रस्ट को आकार देने के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा, इसीलिए वहां पर बोला गया है कि हमारा जो क्रस्ट का आकार है वो पूरी तरीके से नहीं बना है। ये चीज समझ पा रहे हो ना, इसीलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, यहां पर करेक्ट आंसर होगा कि हमारा टैप ड्रिल साइज से हमारा साइज थोड़ा सा बड़ा है। एक मिनट वेट करिए डियर फ्रेंड, एक मिनट वेट करना, थोड़ा सा एक मिनट वेट, फिर अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ओके डियर फ्रेंड, ये क्लियर हुआ, ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई, फटाफट से मुझे कमेंट करके क्लियर करिए, ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई ना, जो मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ फाइल रिमूव द मेटल ड्यूरिंग, यानी कि रेती किसके दौरान धातु को हटाती है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में, रिटर्न स्ट्रोक में, बोथ फॉरवर्ड एंड रिटर्न, या नॉन ऑफ दिस अबव, क्या करेक्ट होगा भाई, यहां पर क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा, 18 नंबर का क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। बिल्कुल बैटरी लो हो गया था एक्चुअल में लैपटॉप का, कोई इशू नहीं, चलिए करेक्ट आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा यहां पर, अ फाइल रिमूव द मेटल ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, बोथ फॉरवर्ड एंड रिटर्न, या नॉन ऑफ द अबव, क्या करेक्ट होगा, बहुत ही कॉमन है भाई, क्या करेक्ट होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में हटाती है ना, बहुत शानदार, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहां पर, रेशो ऑफ वाटर टू सॉल्युबल ऑयल टू
प्रिपेयर कूलेंट इज, यानी कि शीतलन के निर्माण में, यानी कूलेंट के निर्माण के लिए जल का घुलनशील तेल में अनुपात क्या होता है, यानी कि वाटर एंड ऑयल दोनों का रेशो हम लोग क्या रखते हैं, दोनों का रेशो हम लोग क्या रखते हैं, क्या करेक्ट होगा यहां पर 19 का क्या करेक्ट होगा, 20:1। बहुत ही बढ़िया, कितना 20:1, 20 अनुपात में हम लोगों का क्या रहता है 20 अनुपात में वाटर रहता है, 1 अनुपात में हम लोगों का क्या रहता है ऑयल रहता है, क्लियर है ना। यानी कि हमारा 5% क्या होता है, हमारा सोल्यूबल ऑयल होता है, 5% हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर में ऑयल डाल देते हैं, देन हमारा बन जाता है वहां पर सोल्यूबल ऑयल, क्लियर है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का। और यहां पर क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन में, जब उपकरण का कटाई किनारा मंद हो जाता है तब मशीनन के दौरान, यानी कि व्हेन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज डल देन ड्यूरिंग मशीनिंग, समझ रहे हो, यानी कि हमारा जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल का कटिंग एज क्या हो गया भाई, ब्लंट हो गया है, खराब हो गया है, उसके बाद भी हम खराब कटिंग टूल से, खराब कटिंग एज वाले कटिंग टूल से मशीनिंग कर रहे हैं, उस मशीनिंग के दौरान डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म्ड, या फिर कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज, या फिर कंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म्ड, या फिर नो चिप्स आर फॉर्म्ड, क्या होगा भाई, यानी कि असतत चिप का निर्माण होगा, या भाई सतत चिप का निर्माण होगा, या सतत चिप निर्मित होंगे, या निर्मित किनारों के साथ, यानी कि बिल्ट अप एज के साथ में सतत चिप होगा, या कोई चिप ही नहीं निकलेगा, क्या होगा भाई, क्या बात है भाई, साउंड में कोई इशू आ रहा है क्या। चलिए बहुत ही शानदार, क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आ रहा है यहां से, क्या करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार, क्या होगा। अब देखिए यहां ये है वो क्वेश्चन, एक्चुअल में कल भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया, वहां पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा था कि भाई आप लोगों का डक्टाइल मटेरियल है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल है, आप उसकी मशीनिंग कर रहे हो, किस प्रकार की चिप्स निर्माण होगा, भाई कंटिन्यूअस चिप्स का निर्माण होगा, वहां पर कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज कहां से आ जाएगा, बिल्ट अप एज किस कंडीशन में आएगा, जब हमारा कटिंग टूल का कटिंग एज खराब होगा, यदि हम ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं वहां पर डिसकंटिन्यूअस चिप्स का निर्माण होगा, सेगमेंटल टाइप चिप्स का निर्माण होगा, यदि हम ब्रास की मशीनिंग कर रहे हैं आई शेप्ड की हम लोगों की चिप्स निकलेगी। तो कॉमन क्वेश्चन है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। फटाफट से लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक कर दीजिए डियर फ्रेंड, क्या बात है आज 200 लाइक आप लोग क्रॉस नहीं कर रहे हो, 200 लाइक क्रॉस कर दीजिए फटाफट से। चलिए भाई, चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आशा करता हूँ कुछ कुछ चीजें आप लोगों को टॉपिक साथ साथ में क्लियर होते जा रहे होंगे यहां से। और बाकी यदि आप फुल टॉपिक के साथ में टोटल कोर्सेस लेना चाहते हैं तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर एनसीएल क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें सारा कुछ फंडामेंटल टॉपिक के साथ में हम लोगों का कोर्सेस चल रहा है, जिसमें मंडे टू सैटरडे लेक्चर रहता है, संडे आप लोगों का डाउट क्लास रहता है, संडे वहां पर टेस्ट लिया जाता है, तो एक कनेक्टेड वे में, इफेक्टिव वे में सारा कुछ तैयारी आप लोगों को वहां पर कंप्लीट करा रहे हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो वहां पर जाकर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर पेड कोर्सेज होते हैं, 5 मंथ का कोर्स रहता है, 1499 रुपए आप लोगों की फीस रहती है, जिसमें सारा कुछ रहता है ना। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच 200 लाइक क्रॉस करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मनोज सा कर दिए सर, थैंक यू मनोज, थैंक यू। R SSS गुड भाई, अभी तो आप लोगों को एग्जाम डेट का नहीं है ना, एग्जाम डेट आने के बाद पढ़ाई नहीं होगी, अभी से पढ़ाई करेंगे, जब हम एग्जाम डेट तक प्रिपेयर हो पाएंगे, एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे कि हाँ भाई अब मैं तैयार हूँ एग्जाम के लिए, है ना, तो एग्जाम डेट जब आएगा तो इन्फॉर्म किया जाएगा आपको, अभी टाइम लगेगा एग्जाम में। ओके, ट्वेंटी नंबर का आंसर मैंने दे दिया ना, 20 नंबर क्या क्वेश्चन है आप लोगों का,
यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज होगा ना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कटिंग टूल का कटिंग एज है वो डल है ना, यानी कि खराब हो चुका है, तो हमारी जो चिप्स निकलेगी वो कैसी निकलेगी, कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज, क्लियर है ना। ओके ओके, ओके, थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को लाइव को ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में रात में 9 बजे, ओके, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।